हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम हेयर विद द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर 9 ऑफ क्लास 7th इंग्लिश माइलस्टोन कोर्स बुक इन इस बीइंग नेबरली। जस्ट इस चैप्टर में हमने देखा था कि दो पड़ोसी हैं यहाँ पर, जो कि एक रिच है एक पुअर है। बट जो पुअर हैं वो बहुत खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, इंजॉय करते हैं। जो रिच फैमिली है जिसमें एक ग्रैंड सन और एक ग्रैंड फादर हैं, वो एक बड़े से मेंशन में रहते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्लास में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू द फर्स्ट पार्ट। आफ्टर दैट यू विल वॉच दिस सेकेंड पार्ट, देन यू विल गेट द कम्प्लीट मीनिंग ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, वो मैं ऑलरेडी बनाकर पोस्ट कर चुकी हूँ। ठीक है, आफ्टर दैट यू विल सी द सेकेंड पार्ट। सो नाउ कंटिन्यू, आई हैव लेफ्ट द पार्ट वन टिल हेयर। मैंने यहाँ पर अपना फर्स्ट पार्ट छोड़ा था, क्योंकि जो है एक फ्रेंड है यहाँ पर, वो लॉरी के लिए अपने घर से कुछ सामान लाती है, स्वीट डिश लाती है। और वो लॉरी जो है, वो जो बीमार था, वो बहुत खुश हो जाता है स्वीट डिश को देख के, और वो उसे कहता है कि ये तो इतनी खूबसूरत है कि इसे कोई भी देख कर खा सकता है। जो कहती है इज इडेंट एनी थिंग, ये तो कुछ भी नहीं है, टेल द गर्ल्स टू पुट इट अवे फॉर योर टीम। वो कहते हैं टेल द गर्ल, हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए टी का भी के लिए और ये जाए और तुम्हारे लिए टी भी बना सकती है। इज इट्स सो सिंपल, ये तो बहुत ईजी है, यू कैन ईट इट, तुम आराम से इसे खा सकते हो। एंड बींग सॉफ्ट, और ये बहुत सॉफ्ट भी है, इट विल स्लिप डाउन विदाउट हर्टिंग योर सोर थ्रोट, और ये बहुत आसानी से तुम्हारे गले में स्लिप कर जाएगी। और जो क्योंकि उसको इसने पहले ही लॉरी ने बताया था कि इसको बहुत ज़्यादा कोल्ड था और इसके गले में चोक हो रहा था, ठीक है, इसलिए उसने कहा कि ये तुम्हारे गले में जो खराशें हैं उसमें भी हर्ट नहीं करेगा। व्हाट अ कोजी रूम इट दिस इज, उसका रूम देखकर वो खुश हो जाती है, कहती है कितना आरामदायक है तुम्हारा कमरा, देखने में तो बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। लॉरी हाउ काइंड यू आर, तुम कैसी हो, नाउ प्लीज टेक अ बिग चेयर एंड लेट मी डू समथिंग टू अम्यूज यू। लॉरी कहता है कि तुम इस बड़ी वाली चेयर पर बैठ जाओ और मुझे कुछ करने दो जिससे तुम्हें खुशी मिले, तुम्हें मैं अम्यूज़ करना चाहता हूँ। जो कहती है नो आई केम टू अम्यूज़ यू, शैल आई रीड अलाउड, वो कहती नहीं नहीं मैं तुम्हें अम्यूज़ करने आई हूँ यहाँ पर, क्या मैं तुम्हारी बुक पढ़ सकती हूँ ज़ोर से। लॉरी कहता है थैंक यू इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें बुरा ना लगे बिल्कुल, आई वुड रेदर टॉक, मैं भी तुमसे बात करूँगा। जो कहती है नॉट अ बिट, नहीं नहीं तुम नहीं बोलोगे, आई विल टॉक ऑल डे इफ़ यू विल ओनली सेट मी गोइंग, बोले मैं पूरे दिन मैं तुमसे बातें करूंगी जब तक कि तुम मुझे जाने को नहीं बोलोगे। बैथ सेज, बैथ कहती है आई नेवर नो वेन टू स्टॉप, वो कहती है मुझे नहीं पता कि हम मुझे कब रुकना है, ठीक है, जब तक तुम नहीं कहोगे मैं बोलती रहूंगी। लॉरी इज बैथ द रोजी वन, बैथ जो है वो वही है जो एक बड़ी प्यारी सी रोजी सी है, हु स्टेज एट होम गुड डील एंड समटाइम्स गो आउट विद अ लिटिल बास्केट। ये वही लड़की है ना जो हर दिन घर पर रुकती है और रुकना उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, और वो डेली सिर्फ एक छोटी सी बास्केट के साथ बाहर जाती है। जो कहती है येस दैट्स बैथ शी इज़ माई गर्ल, वो कहती है जो हाँ वही बैथ है, शी इज़ माई गर्ली, वो भी मेरी बहन है, एंड अ रेगुलर गुड वन शी इज़ टू, वो भी बहुत अच्छी है। वो कहता है लॉरी कहता है द प्रिटी वन इज़ मैग, और जो सबसे खूबसूरत है वो मैग है ना, द कर्ली हेयर्ड ऑन वन इज एमी, वो कहते हैं और जो जिसके कर्ली कर्ली हेयर है वो एमी है ना। जो सरप्राइज, जो आपको बहुत आश्चर्य होता है, वो कहते हैं हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट, बोले तुम्हें कैसे पता ये सब चीज़ें, तुम तो कभी घर से निकलते ही नहीं हो। लॉरी कहता है वाई यू सी, तुम ऐसे क्यों देख रही हो, आई ऑफन हियर यू कॉलिंग टू वन अनदर, बोले मैंने अक्सर सुना है तुम लोग एक दूसरे को आवाज़ देते हो, बुलाते हो। एंड वेन आई एम अलोन अप, और जब मैं अकेला होता हूँ यहाँ पर, आई कॉन्ट हेल्प लुकिंग ओवर एट योर हाउस, मैं बिल्कुल अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ तुम्हारे घर की तरफ देखने से। यू ऑलवेज सीम टू बी having, वो कहता है कि क्योंकि तुम लोग हमेशा ऐसे दिख रहे होते हो, हैविंग सच अ गुड टाइम, कि तुम लोग कितना अच्छा समय बिताते हो। आई बैग यू पर्डन, बोल के मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ फॉर बींग सो र्यूड, इतना बुरा होने की वजह से कि मैं तुम्हारे घर में झांकता हूँ। बट समटाइम्स यू फॉरगेट टू पुट डाउन द कर्टन एट द विंडो वेयर द फ्लावर्स आर, वो कहते हैं लेकिन कई बार होता है कि तुम जो है उस पर अपना अपनी विंडो पे जहाँ पे फ्लावर्स रखे हैं वहाँ पे अपना कर्टन डालना भूल जाती हो। एंड व्हेन द लैम्प्स आर लाइटेड, और जब लैम्प जलते हैं घर में या लाइट्स ऑन होती हैं, इट्स लाइक लुकिंग अप एट अ पिक्चर टू सी द फायर एंड यू ऑल अराउंड द टेबल विद योर मदर, और बोले वो बिल्कुल मुझे एक पिक्चर की तरह यहाँ से दिखता है जब फायर प्लेस के पास तुम सभी लोग एक टेबल के चारों तरफ अपनी मदर के साथ बैठते हो। हर फेस इज़ राइट, उसका फेस राइट अपोजिट, और उनका फेस जो है वो बिल्कुल उसके अपोजिट साइड में होता है उस फायर के, ठीक है। एंड
इट लुक्स सो स्वीट बिहाइंड द फ्लावर्स, और ये उन फूलों के पीछे से देखने में बहुत खूबसूरत दिखता है. आई कांट हेल्प वॉचिंग, और मैं खुद को देखने से नहीं रोक पाता हूँ. आई हैवंट गॉट एनी मदर यू नो, वो कहते हैं क्या तुम जानती हो कि मेरी कोई माँ नहीं है. यू नो हिज लिप्स ट्विस्ट, और उसके होंठ जो हैं वो बिल्कुल कुछ धीरे से बुदबुदाकर चुप हो जाते हैं. बिकॉज ही हैजंट हैव मदर, क्योंकि उसकी कोई माँ नहीं थी. नरेटर कहता है द सॉलिटरी लोनली लुक इन लॉरेंस आइज, वो कहता है उसकी लॉरेंस की आंखों में जो अकेलापन से था, वेंट स्ट्रेट टू जोज वार्म एंड इनोसेंट हार्ट, वो बिल्कुल जो कि मासूम से दिल तक उसकी बातें पहुँच रही थी. लॉरी वॉज सिक एंड लोनली, लॉरी बहुत बीमार था और अकेला था. एंड फीलिंग हाउ रिच शी वॉज इन होम एंड हैप्पीनेस, और वो ये फील कर रहा था कि ये लड़कियाँ जो हैं वो कितनी खुश हैं उस छोटे से घर में, और उन कितने ज़्यादा इंजॉय करते हैं. जो ग्लैडली ट्राइड टू शेयर इट विद हिम, और जो कितनी खुशी से उसके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश कर रही है या करती है. जो जेंटली बड़े प्यार से वो कहती है वी विल नेवर ड्रॉ दैट कर्टन एनी मोर, वो कहती है ठीक है अब आज के बाद हम वो कर्टन कभी भी ड्रॉ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं डालेंगे. एंड आई गिव यू लीव टू लुक एज मच एज यू लाइक वगैरह, और मैं तुम्हें वो सब कुछ देखने दूंगी जितना तो जितना मन हो तुम आराम से देख सकते हो. आई जस्ट विश, और मैं चाहती हूँ दो इंस्टीड ऑफ पीपिंग यू हैड कम ओवर एंड सी अस, वो कहते हैं और मैं तो कहती हूँ कि तुम झांकने के बजाय वहीं आ जाया करो हम सबके साथ हमें देखने के लिए. मदर इज़ सो स्प्लेंडेड, वो कहती है मेरी मम्मी जो है वो बहुत स्प्लेंडेड है, बहुत अच्छी हैं. शी वुड डू यू हीप्स ऑफ गुड, वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगी, तुम्हें बहुत अच्छा फील कराएंगी. बेथ वुड सिंग, बेथ तुम्हारे लिए गाना गाएगी. एमी वुड डांस, एमी तुम्हारे लिए डांस करेगी. मैग एंड आई वुड मेक यू लाफ, और मैग और मैं मिलकर तुम्हें हंसाएंगे. वी वुड हैव जॉली टाइम्स, और हम लोग बहुत अच्छा समय एक फनी टाइम अपना इंजॉय करेंगे. वुड योर ग्रैंड पा लेट यू, वो कहते हैं वुडंट योर ग्रैंड पा लेट यू, वो कहते हैं क्या तुम्हारे ग्रैंड पा नहीं देंगे तुम्हें. लॉरी कहता है आई थिंक ही वुड, वो मुझे लगता है कि वो आने देंगे. इफ़ योर मदर आज डेम, अगर तुम्हारी मम्मी उनसे बात करें, शी इज़ वे ही इज़ वेरी काइंड, वो बहुत अच्छे हैं. दो ही डज नॉट लुक सो, वो ऐसे दिख जबकि वो ऐसे दिखते हैं नहीं हैं, लेकिन वो मतलब इतने रूड नहीं हैं. एंड ही लेट्स मी डू वॉट आई लाइक, और वो मुझे वो सब कुछ करने देते हैं जो मैं करना चाहता हूँ. प्रिटी मच, बहुत अच्छी तरह. ओनली ही इज़ एफ्रेड आई माइट बी बॉदर टू स्ट्रेंजर, के वो कहता है कि वो सिर्फ इस चीज़ से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो मैं अजनबी लोगों के साथ में कुछ बॉदर कर जाऊँ या परेशान हो जाऊँ. जो कहती है कि वी आर नॉट स्ट्रेंजर, हम स्ट्रेंजर्स नहीं हैं, वी आर नेबर्स, हम पड़ोसी हैं. एंड यू नीड एंड थिंक यू वुड बी बॉदर, और तुम्हें ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि तुम हमारे साथ परेशान होगे. वी वॉन्ट टू नो यू, हम तुम्हें जानना चाहते हैं. एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू डू इट दिस एवर सो लॉन्ग, और वो कहते हैं मैं ऐसा करना हमेशा करना चाहती हूँ कि तुम्हें जानते रहें. आई हैवंट बीन हेयर अ ग्रेट वाइल, बोले मैं यहाँ पर बहुत देर तक हूँ, ठीक है. यू नो बट वी हैव गॉट एक्वेंटेड, बोले हम इतनी देर से तो यहाँ, अब तो हमारी जान पहचान भी हो गई है और अच्छी जान पहचान हो जाएगी, ठीक है. विद ऑल आर नेबर्स बट यू, वो कहती है कि और हम तो यहाँ पे बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं, और हम तो बहुत सारे लोगों से हमारी जान पहचान है, और सभी पड़ोसियों से, बल्कि है सिर्फ तुम्हारे, ठीक है. लॉरी कहता है यू सी, तुम देखो ग्रैंडपा लिव्स अमंग हिज बुक्स एंड डजंट माइंड मच व्हाट हैपेंड आउटसाइड, बोले देखा है तुमने कि ग्रैंडपा जो है वो अपनी बुक्स के साथ रहते हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं होता. डजंट माइंड मीन्स बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कोई मतलब ना होना. व्हाट हैपेंड आउटसाइड, कि बाहर क्या हो रहा है, वो कहता है कि उनको कोई मतलब नहीं है. मिस्टर ब्रुक माई ट्यूटर, वो कह रहे हैं मिस्टर ब्रुक जो है वो मेरे ट्यूटर हैं. डजंट स्टे हेयर, वो भी यहाँ नहीं रुकते हैं. यू नो एंड आई हैव नो वन टू गो अबाउट विद मी, और मेरे साथ बाहर जाने के लिए कोई भी नहीं है. सो आई जस्ट स्टे एट होम एंड गेट ऑन एज आई कैन, वो कहते हैं इसलिए मैं घर पर ही रुकता हूँ, जितना भी मैं रुक सकता हूँ मैं घर पर ही रहता हूँ, कहीं नहीं जाता, ठीक. जो कहती है दैट्स बैड, वो कहती है ये तो बहुत बुरा है, ठीक. यू ऑट टू मेक एन एफर्ट टू गो विजिटिंग एवरीवेयर यू आर आस्ड, वो कहते हैं और तुम्हें हर जगह जाना चाहिए, जहाँ कहीं भी तुम जाना चाहते हो, जैसा कि तुमसे कहा गया है. देन यू विल हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स एंड प्लीजेंट प्लेसेस टू गो, तो तुम्हारे भी बहुत सारे दोस्त होंगे और बहुत सारी अच्छी जगहें होंगी जहाँ तुम घूम सकते हो. नरेटर कहता है मच इलेटेड विद हर सक्सेस, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है. डिलाइटेड, इलेटेड मीन्स खुश हो जाती है कि मैं जो करने आई थी मैं उसमें सक्सेसफुल हो रही हूँ. जो टॉक्ड अबाउट देयर प्लेस एंड प्लान्स एंड इंटरेस्टिंग इवेंट
डिस्क्रिप्ट्स ऑफ द लिटिल वर्ल्ड इन विच द सिस्टर्स लिव्ड. वो अपनी पूरी दुनिया के बारे में उसे बताती, कैसे हम खेलते हैं, कैसे हम प्लान करते हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग इवेंट्स हमारी लाइफ में, अपनी पूरी दुनिया उसके सामने खोलती है. देन दे गोट टू टॉकिंग अबाउट बुक्स. फिर वो बात बुक्स के बारे में बात करते हैं. एंड जो डिलाइट शी फाउंड दैट लॉरी लव्ड दैट एज वेल एज शी डिड. वो कहती है कि जो कुछ भी वो कर रही थी उसे महसूस होता है कि लॉरी को वो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था. एंड ही हैड रेड इवन मोर देन हर सेल्फ. और वो कहती है उसने मुझसे ज़्यादा कहीं वो बुक्स पढ़ी. ठीक है लॉरी, इफ़ यू लाइक डैम सो मच. वो कहता है कि अगर तुम्हें ये सब बहुत पसंद है, कम डाउन टू लाइब्रेरी एंड सी आर्स. वो कहती है चलो मैं तुम्हें अपनी लाइब्रेरी में ले चलता हूँ. ग्रैंड फादर इज़ आउट. ग्रैंड फादर तो बाहर गए हो, सो यू नीड नॉट टू बी एफ्रेड. वो इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. जो कहती है टॉसिंग हर हेड, वो अपना सर हिलाती है, आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ एनी थिंग. वो कहती है कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता. सीन थ्री यहाँ पर कंटिन्यू होता है. उसमें क्या होता है यहाँ पर आगे देखते हैं. वो लाइब्रेरी सीन इज़ इन द लॉरेंस हाउस. अब वहाँ पे वो उसको लॉरी जो है वो उसकी अपनी ग्रैंडफादर की लाइब्रेरी में लेकर जाता है. द वॉल ऑफ द रूम आर लाइंड विद बुक्स. उसकी सारी बुक्स से भरी हुई थी, उसकी सारी दीवारें लाइन से लगी हुई थी. आर द पिक्चर्स एंड स्टैचूज एंड डिस्ट्रैक्टेड लिटिल कैबिनेट्स फुल ऑफ क्वाइंस एंड क्यूरियोसिटीज, चेयर्स एंड टेबल्स एंड अ ग्रेट ओपन फायर प्लेस विद क्वेंट टाइल्स ऑल राउंड. अ बेल रिंग्स एंड द मेड वॉक्स इन. तभी वो देखती हैं कि चारों तरफ वहाँ पे मतलब कैबिन बने हुए हैं, क्वाइंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में क्यूरियोसिटी हो. बड़ी बड़ी चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, फायर प्लेस बना हुआ है, अट्रैक्टिव चीज़ें रखी हुई हैं वहाँ पर चारों तरफ. ठीक है तभी अचानक से बेल रिंग होती है और मेड आती है. मेड कहती है द डॉक्टर इज डॉक्टर टू सी यू सर. वो लॉरी को इन्फॉर्म करती है कि सर आपको डॉक्टर देखने आए हैं. लॉरी बाहर चला जाता है. एंड जो अम्यूजेज हर सेल्फ इन हर ओन वे. जो है वो अपने आप खुद को इंटरटेन करती रहती है. शी स्टैंड्स बिफोर अ फाइन पोर्ट्रेट. वो एक पोर्ट्रेट के सामने खड़ी हो जाती है ऑफ अ द ओल्ड जेंटलमैन. व्हेन द डॉक्टर ओपन्स अगेन एंड विदाउट टर्निंग शी स्पीक्स. अचानक से डोर ओपन्स. ठीक है अगेन दोबारा से दरवाज़ा खुलता है और वो एक पोर्ट्रेट जो ओल्ड जेंटलमैन का पोर्ट्रेट रखा हुआ था वहाँ पर वो उसके सामने खड़ी होती है. जो तभी दोबारा से दरवाज़ा खुलता है और बिना वो पीछे मुड़े जो है वो अपने पीछे मुड़कर नहीं देखती और स्टार्ट्स स्पीकिंग और वो कुछ बोलना शुरू कर देती है. जो कहती है यहाँ पे आई एम श्योर नाउ दैट. वो कहती है मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आई शुडंट बी एफ्रेड ऑफ हिम. कि मुझे इनसे डरना नहीं चाहिए. वो इस पिक्चर को देख रही है ओल्ड मैन की. फॉर ही इज़ गॉट काइंड आईज. वो कह रहे हैं इनकी आँखें तो बहुत काइंड हैं देखने में. दो हिज माउथ इज़ ग्रिम. थोड़ा सा फेस पे ज़रूर गुस्सा है. एंड ही लुक्स एज इफ ही हैड अ ट्रिमेंडस. वो कहते हैं कि इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि लहन की इनकी खुद की इच्छाएं हैं. ये कभी किसी से डरते नहीं हैं या कोई बात नहीं सुनते हैं. ही इज़न्ट एज हैंडसम एज माई ग्रैंड फादर. वो कहते हैं ये इतने हैंडसम तो नहीं है जितने कि मेरे ग्रैंड फादर हैं. बट आई लाइक हिम. लेकिन फिर भी मैं इन्हें पसंद करती हूँ. ग्रैंड फादर इन अ ग्रफ वॉइस. थैंक यू मैम. पीछे ग्रैंड फादर होते हैं और वो कहते हैं अपनी भारी सी आवाज़ में वो कहते हैं थैंक यू मैम. क्योंकि जो उनके बारे में बात कर रही थी उनका पोर्ट्रेट देख देख के नैरेटर कहता है जो गिव्स अ सीक्वल ऑफ डिसमे. वो एकदम से परेशान होती है और वर्ल्ड अराउंड और बड़े झटके से वो घूम के पीछे मुड़ती है. शी कम्स फेस टू फेस विद द ओल्ड मिस्टर लॉरेंस. वो बिल्कुल फेस टू फेस खड़ी होती है मिस्टर लॉरेंस के. पुअर जो ब्लशेज. वो कहते हैं कि टिल शी कुडंट ब्लश एनी रेडर. वो कहते हैं कि जो वो बेचारी जो वो अपने ही मज़े में बातें कर रही थी लेकिन वो ब्लश कर जाती, एकदम शर्मा जाती है. और इससे पहले वो कभी इतना नहीं शर्माई थी. एंड हर हार्ट बिगिंस अ बीट अनकम्फर्टेबली फास्ट एज शी थॉट वॉट शी हैड सेड. और उसकी जो हार्ट बीट थी वो बहुत तेज़ हो गई क्योंकि उसने सोचा कि मैंने ये क्या कहा. ठीक है फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए वो थोड़ा सा घबरा गई थी. अ वाइल्ड डिज़ायर टू रन अवे पजेसेस. और उसके मन में एक बड़ी तेज़ इच्छा हुई कि मैं यहाँ सर भाग जाऊँ हार. बट दैट वुड बी कोवार्डली. लेकिन वो उसके लिए कायरता होती. सो शी रिजॉल्व टू स्टे एंड गेट ऑफ द स्क्रैप एज बेस्ट एज शी कैन. स्क्रैप मीन्स होता है ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन. वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको यहीं पर रुक के ही इस प्रॉब्लम को, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करूँगी जैसे मैं कर सकती हूँ. ग्रैंडफादर कहते हैं सो यू आर नॉट एफ्रेड ऑफ मी. वो कहती है कि तो अच्छा तो आप मुझसे नहीं डरती हैं. जो कहती है नॉट मच सर. नहीं बहुत ज़्यादा नहीं डरती सर. ग्रैंडफादर कहते हैं एंड यू डोंट थिंक मी एज हैंडसम एज योर ग्रैंडफादर. वो कहते हैं और तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरह हैंडसम भी नहीं हूँ. तो जो कहते हैं नॉट क्वाइट सर. हाँ बिल्कुल नहीं लगते.
ग्रैंडफादर कहते हैं एंड आई हैव गॉट अ ट्रेमेंडस विल, हैव आई, वो कहते हैं और तो आपको लगता है कि मेरी जो एक बहुत अच्छी विल पावर है मेरे अंदर, क्या वाकई में ऐसा है? जो कहती है ओनली आई ओनली सैड आई थॉट सो, वो कह रहे मैंने ये सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा. ग्रैंडफादर कहते हैं बट यू लाइक मी स्पाइट ऑफ इट, लेकिन तुम फिर भी तुम मुझे पसंद करती हो. जो कहती है येस आई डू सर, बोली वो कहती है येस हाँ बिल्कुल सर मैं आपको पसंद करती हूँ. नैरेटर द आंसर प्लीजेज द ओल्ड मैन, नैरेटर कहता है कि इस उसके जो के आंसर सुन के दो जेंटलमैन जो हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं. ही गिव्स अ शॉर्ट लाफ, वो छोटा सा स्माइल करते हैं एंड शेक्स जोज हैंड, और जो से हाथ मिलाते हैं एंड पुटिंग हिज फिंगर अंडर हर चिन, और उसकी थोड़ी के नीचे वो अपनी फिंगर्स को रखते हैं और टर्न अप हर फेस, और उसका फेस ऊपर करते हैं एंड एग्जामिन्स हिज इट ग्रेवली, और उसको बहुत गंभीरता से उसके फेस को देखते हैं. ग्रैंडफादर कहते हैं यू हैव गॉट योर ग्रैंडफादर्स स्पिरिट, तुम्हारे अंदर बिल्कुल तुम्हारे दादाजी वाली स्पिरिट देखने को मिलती है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल वैसी ही क्वालिटीज़ हैं. ही वॉज अ फाइन मैन माई डियर, वो कहते हैं वो बहुत अच्छे थे, तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत अच्छे थे. ही वॉज अ ब्रेव एंड ऑन एन ऑनेस्ट मैन, वो बहुत ही बहादुर और बहुत ईमानदार व्यक्ति थे. एंड आई वॉज प्राउड ऑफ प्राउड टू बी हिज फ्रेंड, और मैं आज भी बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उनका फ्रेंड था. ठीक है, जो कहती है से कंफर्टेबली, अब जे जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है और कहती है थैंक यू सर, कट इन ऑफ, और यहीं पर वो प्ले खत्म हो जाता है, यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है. मीन्स यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट गर्ल्स हैं उनके कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, ग्रैंडफादर के कैरेक्टर को, ग्रैंडसन के कैरेक्टर को, सभी को विजुलाइज किया गया है ताकि आप अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर सकें किस तरीके से एक ड्रामा स्टार्ट होता है और पूरी स्टोरी क्रिएट होती है और एक कंफर्टेबल एंड हो जाता है. सो आई होप यू विल गेट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी. हु इज़ द ऑथर, अबाउट ऑथर हम पढ़ लेते हैं. यहाँ पर ल्यूज़ा मे एलकॉट वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड पोइट बेस्ट नोन एज द ऑथर ऑफ द नॉवल लिटिल विमेन एंड इट सीक्वल, वो कह रहे हैं और उन ये जो हैं अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं बहुत अच्छी जानी मानी हैं, और ये अपने नॉवल लिटिल वुमेन के लिए और उसके कई पार्ट में वो आई उस सीक्वल के लिए बहुत फेमस हैं. लिटिल मैन एंड जोज बॉय लिटिल विमेन वॉज पब्लिश इन 1868, इनके ये जो सीक्वल आया जिसके बाद लिटिल मैन आया एंड जो लिटिल मैन एंड जोज बॉयज आया, उसके बाद लिटिल वीमेन पब्लिश हुआ 1868 में. द बुक वॉज एन ओवरवेलमिंग सक्सेस, उस बुक को बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी मात्रा में सफलता मिली. हर सेकेंड बुक उसकी सेकेंड बुक थी द गुड वाइव्स इज़ अबाउट हर सिस्टर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव मैरिजेस, जिसमें उसने अपनी 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 गुड वाइव्स के बारे में और उनकी सिस्टर्स की मैरिज के बारे में लिखा है. सो आई होप यू विल गेट द कम्प्लीट मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी स्टूडेंट्स. If you have any problem, you can ask me. So we will meet in the next story with a new chapter of English Milestone course book. Till then, take care. Have a nice day.